कनाडा और भारत के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय मूल के हिंदुओं को तुरंत कनाडा छोड़ने के लिए कहा। उसने भारत का समर्थन करने और निज्जर की हत्या का जश्न मनाने को लेकर भारत वंशियों को धमकी भी दी। आपको बता दें, खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस को भारत में साल 2019 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत में आतंकवादी घोषित गुरपतवंत पन्नू ने एक वीडियो जारी कर धमकी दी है। कहा है, इंडो हिंदू कनाडा छोड़े, भारत जाओ। उसने कहा कि जो लोग न केवल भारत का समर्थन करते हैं बल्कि खालिस्तान समर्थक सिखों के भाषण और अभिव्यक्ति के दमन का भी समर्थन करते हैं, उन्हें तुरंत कनाडा छोड़ देना चाहिए। ये वीडियो ऐसे समय आया है जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो और भारत सरकार के बीच तीखी बहस चल रही है। दरअसल ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार की साजिश हो सकती है। इस पर भारत सरकार ने भी पलटवार कर सभी बयानों को बेतुका बताया, साथ ही आरोप लगाए कि वे भड़काने की कोशिश कर रहा है। इस बयान के कुछ घंटे बाद ट्रूडो ने जोर देकर कहा कि कनाडा उकसाने या भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा। कनाडाई हिंदूज फॉर हार्मनी के प्रवक्ता विजय जैन ने पन्नू की धमकी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हम शहर में हर तरफ हिंदू फोबिया देख रहे हैं, ट्रूडो की टिप्पणी से हिंसा भड़क सकती है। उन्होंने कहा कि हम सबको चिंता सता रही है कि कहीं 1985 की घटना की तरह कनाडाई हिंदुओं को निशाना नहीं बनाया जाए। आतंकी संगठन SFJ का कहना था कि ट्रूडो सरकार के हालिया कदमों से काफी खुश है। कनाडा की मंत्री अनिता आनंद, जो एक हिंदू हैं, उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई और भारत से आने वाले परिवार को ट्रूडो का बयान अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि बयान सुनना मुश्किल था, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया को जारी रखने का समय है। दिल्ली में आयोजित कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल अभिनय राय ने कहा कि इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कनाडाई चीफ यहां आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल भी यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन का उदाहरण देते हुए कि हम अगर अपने कुछ पड़ोसियों के साथ संबंधों को देखते हैं जहां हमारे बीच गतिरोध हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ सभी स्तर पर बातचीत जारी रखते हैं। मेजर जनरल ने आगे कहा कि मैं यहाँ सीधे तौर पर चीन का जिक्र कर रहा हूँ, कनाडा के साथ भी हमारे कूटनीतिक प्रयास और सैन्य प्रयास जारी हैं। कनाडा और भारत के बीच हरदीप सिंह निज्जर को लेकर विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस विवाद को लेकर भारत कनाडा के रक्षा संबंधों पर कैसा प्रभाव पड़ा है, इस पर नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ की एक कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल अभिनय राय ने एक बयान जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।